कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। सबसे पहले वहां के सी फूड मार्केट में इसकी पुष्टि की गई थी। इस वायरस और इसके वेरिएंट्स ने दुनिया भर में आर्थिक त्रासदी, जान माल की हानि या यूं कहें तो इस वायरस से हर सेक्टर में और हर वर्ग के लोगों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। चीन का वुहान शहर एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि वहीं के वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस नियोकोव को लेकर चेतावनी जारी की है, जिनका कहना है कि ये इतना घातक है कि हर 3 संक्रमित में से एक की जान ले सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये नया कोरोना दक्षिण अफ्रीका में मिला है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि नियोकोव वायरस नया नहीं है। राहत की बात यह है कि यह नया वायरस अभी इंसानों में नहीं फैला है। रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक नियोकोव कोरोना वायरस मार्स सीओवी वायरस से जुड़ा हुआ है। यह सबसे पहले साल 2012 और 2015 में साउथ अफ्रीका के देशों में फैलना शुरू हुआ था। यह सार्स सीओवी 2 के समान ही है जो इंसान को कोरोना वायरस से संक्रमित करने के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण अफ्रीका में नियोकोव वायरस चमगादड़ों में पाया गया है और अभी तक केवल जानवरों में ही इसके मामले देखने को मिले हैं। वायरस का ये नया प्रकार काफी ज्यादा संक्रामक है और इसकी मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। अब सवाल ये है कि क्या हम इंसान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं? इसका जवाब बायोरिक्स वेबसाइट पर छपे एक रिसर्च से पता चलता है, जिसके अनुसार नियोकोव अब इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। वहीं बात करें वुहान यूनिवर्सिटी और चाइना एकेडमी ऑफ साइंसेस की, तो ये इंसानी सेल्स को संक्रमित करने के लिए इस नए कोरोना वायरस की केवल एक म्यूटेशन ही काफी है। रिसर्च में पता चला है कि नियोकोव वायरस मर्स की तरह ही इंसानों की मौत का कारण भी बन सकता है, यानी हर 3 में से एक व्यक्ति की इससे संक्रमित होकर मौत हो सकती है। मौजूदा समय में नियोकोव वायरस में सार्स सीओवी 2 कोरोना वायरस जैसे ही लक्षण है जो बताते हैं कि ये कितना खतरनाक है। इस मामले में रूस सरकार के वायरोलॉजी रिसर्च सेंटर से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वेक्टर रिसर्च सेंटर नियोकोव कोरोना वायरस पर चीनी वैज्ञानिकों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से अवगत है। वर्तमान में ये इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसके खतरे को देखते हुए इस पर और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है।